हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोग भी प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आई राहुल भाई क्यू एन ए लाया है आफ्टर लॉन्ग टाइम, फिर से क्यू एन ए लाया है इस वीक में। ठीक है, तो चलिए आज क्यू एन ए में जवाब देंगे आप लोगों को सवाल का। सबसे पहले जवाब आप ही लोग जान लो कि आप लोगों ने जैसा कि कहा है कि आप अपना ब्लॉग्स का भी आई डी बताइए राहुल भाई, तो आई डी तो बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हूँ, इसमें मैं बता देता हूँ राहुल जेकर जॉब्स नाम है उस चैनल का, आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, वहाँ भी अपना प्यार बरसाइए। ठीक है, शॉर्ट्स का निशा जेकर शॉर्ट्स है, दोनों पे प्यार बरसाइए भाई। उन सब बातों को हटाते हैं, बात करते हैं टॉपिक की। आप लोगों के लिए जो कमेंट्स वगैरह उठाएं उन्हीं में से अब कमेंट्स का जवाब देना चालू करते हैं। सो पहला जो कमेंट है नीतीश कुमार की ओर से है, नीतीश कुमार पेंस की ओर से है। कैसे जाएं, कहां जाएं, नहीं बताया आपने, जॉब चाहिए मुझे। मतलब इसको कहना कि लोकेशन मैंने नहीं बताया, जबकि देखो मैंने जो वीडियो बना रखा है स्पार वाले ही वीडियो पे भाई ने कमेंट किया है, जिसमें मैं बता रखा हूँ पूरा लोकेशन वगैरह कि कहाँ ये वैकेंसी। अभी आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जो स्पार में अर्जेंट हायरिंग चल रही है, मतलब हायरिंग जो चल रही है वहाँ लोकेशन है दिल्ली में है सुभाष नगर या टैगोर गार्डन, दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में है वो सुभाष नगर, पैसिफिक मॉल है उसी के अंदर है टैगोर गार्डन, जहाँ आप जाकर के इंटरव्यू दे करके सिलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा जो कमेंट है उनका नाम है पॉजिटिव किंग है। पॉजिटिव थिंकिंग भाई, एज लिमिट क्या है? 32 वाले भी, 32 एज वाले भी कर सकते हैं क्या जॉब? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई, 35 के बाद ही चांसेस घटती है जॉब नहीं मिलने की, आपको जॉब लग जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद जो कमेंट किया एसके फिटनेस ने, उन्होंने बोला भैया कंपनी का नंबर सेंड करो ना। ब्रदर ऐसा है मैं नंबर वगैरह नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारे उनको कॉल्स वगैरह जाने लगेंगे तो उनका मैं नंबर नहीं दूंगा, मैं लोकेशन बता देता हूँ बस इतना ही काफ़ी है भाई। अगर वो नंबर देने की परमिशन आई आपका नंबर हम शेयर कर देंगे, मतलब उनका नंबर, हमको क्या दिक्कत है भाई, बट विदाउट परमिशन के हम नहीं पोस्ट कर सकते कुछ भी, किसी का भी हम प्राइवेसी नहीं छेड़छाड़ कर सकते। ठीक है भाई, चलिए इसी में एक जो कमेंट है पार्ट टाइम जॉब नेम, जॉब नेम एंड सेंड मैसेज प्लीज़। तो भाई पार्ट टाइम के बारे में तो बढ़िया से मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, तो पार्ट टाइम के लिए भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढना और कैसे मिलती है। चलिए यहाँ भी कुछ बता देता हूँ, जॉब है के बारे में बताया था जिसका लिंक मैं डाल देता हूँ प्ले लिस्ट में, ठीक है, उसको देखिए और पार्ट टाइमर का जॉब चाहिए कर लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है उनका नाम है संजू दीपक, उन्होंने बोला है भाई मुझे इलेक्ट्रिक जॉब चाहिए, रिपेयरिंग शॉप भाई प्लीज़ हेल्प मी। इलेक्ट्रिक जॉब चाहिए तो उस ऐप पे आप एक बार ट्राई कीजिए ना, जॉब है वर्क इंडिया, क्यू जॉब्स, अपना, ये सब पे एक बार ट्राई कीजिए, आपको इजीली मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक हो तो आईटीआई वगैरह कर रखे होंगे, इजीली मिल जाएगी। ठीक है भाई, उसके बाद जो है सोनू की ओर से, सोनू गुप्ता ट्रेडर की ओर से, भाई राहुल भाई मॉल में प्रमोशन कितने ईयर में हो जाता है प्लीज़ अप्लाई। मतलब प्रमोशन बोले तो सैलरी ग्रो कब हो जाती है, पोस्ट वगैरह ऊपर कब हो जाती है, तो वो डिपेंड करता है आपके वर्क पे, पर फिर भी 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ ग्रोथ देखी जाती है। ठीक है, मतलब 6 महीने के बाद आपकी सैलरी बढ़ी जाएगी और धीरे धीरे साल भर के बाद अच्छी पोस्ट भी हो जाएगी, अच्छी सैलरी भी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है उनका नाम है सुनील मिर्जा। सुनील मिर्जा ने कहा है राहुल भाई एचआर का नंबर भी दिया करो। एचआर ने परमिशन नहीं दिया नंबर देने से भाई, वरना मैं डेफिनेटली दे दूंगा। ठीक है भाई, अभी जैसा कि मैंने पिछले भी बताया एक बंदा का कमेंट था। चलिए उसके बाद है सुमित सक्सेना की ओर से, भाई आपका रेफरेंस डाल सकते हैं क्या? हाँ, रेफरेंस में बोल सकते हो जी, ये वीडियो देख करके हम आए थे, देखिए आपके बारे में बताया था यहाँ वैकेंसी है, तो इसी के रिगार्डिंग चाहिए जी जानकारी, बिल्कुल हमारा रेफरेंस आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है एसवी स्टडी क्लासेस की ओर से है, मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में दिल्ली में, कितना तक का पेमेंट दे सकता है? ब्रदर वो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए वर्क करने जा रहे हो, इलेक्ट्रिक डिप्लोमा हो या कुछ भी हो, आपका पोस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है किस पोस्ट के लिए आप जॉब लगने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, और उसके बाद किस कंपनी के लिए जॉब लग रहे हैं ये सब मैटर करती है, बाकी सैलरी उसी के अनुसार बनेगी भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट जो आया है, भाई ऐप पे फ्रॉड बहुत है, ऐप पे तो फ्रॉड तो हर जगह है मेरे भाई, और फ्रॉड के बारे में वीडियो भी बनाया हूँ, उस वीडियो को आप लोग भी देखिएगा और मत रखिएगा अपना। फ्रॉड हर जगह है और विदाउट फ्रॉड भी हर जगह है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पहचानते हो फ्रॉड को और नॉन फ्रॉड को। ठीक है, चलिए उसके बाद है निक गेमिंग की ओर से है, सब फेक है, इंटरव्यू देने जाओगे पैसा मांगेंगे और कोई काम भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई,
हम भी लगे हैं उसी ऐप के थ्रू, आज तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्या बोले हैं। इसका मतलब एक ही वीडियो देख करके बेचारा एक कमेंट कर दिया, इसके साथ ठगा ठगी हुआ होगा। भाई आप हमारे कुछ और वीडियोस देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। हम सब जानकारियाँ शेयर करते हैं, फेक को कैसे पहचानना है, जेन्युइन को कैसे पहचानना है, सब कुछ बताता हूँ भाई, समझ रहे। आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा। चलिए उसके बाद जो कमेंट है टैक्सन TXN भाई, अपना नंबर सेंड कर दो, एक बार बात करनी है भाई। इंस्टा ID सेंड कर देता हूँ, ठीक है, ये रहा स्क्रीनशॉट, इसके थ्रू आओ बात कर लेना, ठीक है भाई। बस नंबर नहीं देता हूँ भाई, ठीक है। प्रकाश डे, प्रकाश डे ने बोला है सर अलग तारा मॉल में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, छत्तीसगढ़ बिलासपुर मॉल। तो मॉल के लिए तो मैं डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ बहन, तो आप एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को और उसी के अनुसार आप जाकर के अप्लाई करिए, इजीली जॉब मिल जाएगी, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, जानकारी ले लेकर के, ठीक है। तो बिंदास रहिए, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है पूजा तिवारी की ओर से है, क्या शादीशुदा महिलाओं को भी जॉब मिल सकती है मॉल में, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल मिल जाएगी बहन, कोई दिक्कत नहीं, शादीशुदा हो या अनमेरिड हो, हर किसी को जॉब लग जाएगी, ठीक है बहन। चलिए नेक्स्ट जो है उनका कमेंट नाम है भूखाड़ हेयर, ठीक है। उन्होंने लिखा है क्या प्रोसेस है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जॉब के लिए, वीडियो देखिए एक बार हमारी, सब कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ बता दिया हूँ, किस क्वालिफिकेशन के लिए, किस पोस्ट के लिए क्या वर्क हो सकती है, एक बार वीडियोस थोड़ा सा विजिट कीजिए भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है कमेंट है भैया क्या 10th क्लास वालों को एयरलाइंस फ्लाइट पर जॉब नहीं लग सकती है, प्लीज़ बताइए, रिप्लाई दीजिएगा, आपसे ही उम्मीद है आंसर का। लग सकती है 10th बाद भी, बट जैसा कि ये सोच रही होगी केविन गुरु के लिए, तो केविन गुरु नहीं लगेगा बहन, कम से कम आपका 12th पास चाहिए। बट हाँ एयरपोर्ट वगैरह पे लग सकती है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं उन सब पे लग सकती है, पर सोचो कि केविन गुरु वगैरह के लिए तो नहीं लगेगी, वो साफ साफ कह चुका है 12th पास के लिए। चलिए कमेंट तो इतना ही था, जितना कमेंट था आप लोगों का जवाब देने की कोशिश किए हैं, और आप लोगों को वीडियो देख करके कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, और अच्छा लगा अपने प्यारे भाई राहुल लेकर को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि इस चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियोस लाइए। और आप लोग कमेंट कीजिए किसकी टॉपिक पे वीडियो लाएँ, मतलब ट्रेडिंग वगैरह पे लाएँ या नहीं, ये सब कमेंट कीजिए, ठीक है। और सोच रहे हैं कि अपने चैनल पे लाइव आने के लिए, तो लाइव आऊँ या नहीं आऊँ, प्लीज़ आप लोग बताइए यार भाई, कमेंट करके कि अभी लाइव आना सही होगा या नहीं, आप लोग बताइएगा, तभी ना आप ही लोग के लिए ना लाइव आएंगे, तो आप लोग बताइए, ठीक है। और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे, इंस्टा की ID बता ही दी है, स्क्रीनशॉट देख ही ली है, तो उसके थ्रू आइए, क्योंकि मैं वहाँ स्टोरी वगैरह लगाते रहता हूँ, वैकेंसी जब लिमिटेड वैकेंसी रहती है तो वहाँ स्टोरी लगा देता हूँ, ज़्यादा वैकेंसी आती है तब मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जॉब मिल जाए। तो ईजिली जॉब मतलब लिमिटेड वैकेंसी वाली जानकारी चाहिए फॉलो कर लेना, वहाँ ज़्यादा चांसेस है जल्दी जल्दी मिलने की, ठीक है। बात भी करना चाहेंगे तो वहाँ हेलो भेज दीजिएगा, जरूर रिप्लाई करेंगे टाइम मिला तो। और अभी वैकेंसी एक जगह और खाली है रमेश नगर में, जिसका नाम है वॉलनेक्स, ठीक है। कॉलिंग का जॉब है, करना होगा तो बता देना, 12 से 18 हज़ार के बीच की सैलरी है, अच्छी खासी जॉब है, 2-4 महीना कर लो, एक्सपीरियंस आने के बाद कहीं और भी ट्राई कर लेना, हमारे वीडियोज़ में बने रहिएगा, और क्या। बाकी चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।